Kanwar Dhillon, Tina and Phillip and Abhinav Kapoor, who are currently seen on Star Plus showing Aastha SCV, recently took up our fun and interesting segment of the co-star story. So without any further ado, let's begin with the segment. One thing you like about your co-star? One thing you like about your co-star? Whoever. I think abhi yahan pe hum log tino baithe hain to fir main hum aapas mein quiz khelenge. Ha. So one thing that I like about you is that I think you're a very lively person. So tu bahut khud bhi kafi khush rehta hai aur baakiyon ko bhi khush rakhta hai. To tu jab set pe aata hai to khushiyan baantta hai, hansiyan baantta hai aur maze karta hai aur maze karwata hai. And so that's one really nice thing that I like about you. And about Tina, I think is that she's a very sincere person. She takes her work very sincerely and बहुत honestly और sincerely अपना काम करती है तो about Tina मुझे ये अच्छा लगता है. अच्छा तो इन दोनों में से मुझे सबसे पहले अभिनव के बारे में ये अच्छा लगता है कि हमें compatibility बहुत है और जब हमारे specially scenes आते हैं तो as an actor बहुत freedom है हमें एक दूसरे को suggest करने की या जो भी है. ये मुझसे 7-8 साल बड़ा है लेकिन हमारा rapo ऐसा है कि हम एक ही age के हैं. So that is, I think, the best thing. If I say one word, I have a comfort level with him. And with Tina, I think, एक चीज जो मुझे उसके बारे में पसंद होगी, ये वो होगी. नहीं, ये वो होगी कि ये करती है अपना है, but ये सब सबके suggestions लेती है. मतलब you know, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको suggestions बिना पूछे लेने की आदत नहीं होती, but one thing good about her is that she takes people's suggestions and अगर कोई कुछ बोलता है, she listens to it, so that is one good thing that I like about her. One thing I don't like about her is वो glycerin का डब्बा हाथ में लेके खड़ी होती है और जैसे ही कट होता है वो आंसू ले लेके ऐसी खड़ी होती है डब्बा लेके, तो वो चीज मुझे नहीं पसंद. One thing I like, अभी मेरे को बस कितना टाइम है पहले बताओ, शायद बहुत टाइम लग जाए. अच्छा ओके, विद अबू आई थिंक वी हैव अ ग्रेट ऑफ स्क्रीन बॉन्ड. मैं उनको भाई मानती हूँ तो एंड ही इज़ वेरी केयरिंग एंड वेरी लविंग. आई एम रियली कनेक्टेड विद हिज फैमिली एज वेल, सो दैट्स रियली नाइस. विद कवर ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, जैसे कि अबू ने बोला कि वो बिल्कुल हंसी मजाक करते हैं, लाइवली होता है सेट, तो बहुत अच्छा लगता है. हाँ बोल दिया. अब कितना और हो गया तेरा. कॉपी पेस्ट मारा है इसने, सबसे सेफ खेला है. या वन थिंग दैट इरिटेट्स यू अबाउट योर कोस्टार? दिस टू ओनली. एक्चुअली बहुत सोचना पड़ रहा है क्योंकि सच बताऊं तो शायद बाकियों से मैं थोड़ा ज्यादा इरिटेटेड रहता हूं, बट इन दोनों से तो ये तो मेरे सबसे क्लोजेस्ट है तो इन लोगों से मैं इरिटेट होता ही नहीं हूँ. पर अगर बोलना है तो फिर मौका मिला है तो देख भाई, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे बोलना है. तो आई थिंक अबाउट कवर इज के ये बहुत ज़्यादा ही कभी मस्ती करता है. वैसे मस्ती करना अच्छी बात होती है लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा ही मस्ती कर देता है, तो वो एक इरिटेटेड तो नहीं मैं बोलूँगा एक्चुअली, बट पता नहीं. हाँ मतलब वो एक बैड क्वालिटी है. अबाउट टीना, बैड क्वालिटी है कि हाँ कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है, बट नहीं है खत्म. हाँ आई थिंक कभी कभी बहुत ज्यादा बात करती है. सारे जबरदस्ती बोला है तूने, मेरे बारे में इतना सोचना ही नहीं पड़ा ऐसे. ये फर्क होता है जब लड़की इन्वॉल्व हो जाती है. लड़की की बात नहीं है, ये बॉन्ड है, बॉन्ड. ओके एक चीज जो मुझे इसके बारे में नहीं पसंद वो ये है कि ये कभी कभी छोटी छोटी चीजें बहुत दिल पे ले लेता है, आजू बाजू जो लोगों के साथ होती हैं, एंड बिना मतलब के गुस्सा हो जाता है जो इस बाद में अफेक्ट होने लग जाता है ऐसे जब हम शूट करते हैं. तो ये मैं ऐसे हर बार कहता हूँ कि इतना दिल पे मत लिया कर लोगों को. हाँ तो वो सुन रहा है, वो अलग बात है, वो सिर्फ सुनता है, करता कुछ नहीं, बट वो एक चीज है. एंड एक चीज टीना के बारे में है, यार बातें तो बहुत सारी है टीना के बारे में, कौन सी वाली बोलूं? नहीं टीना के बारे में बातें एक बात है कि वो आप अगर कभी उसे कोई चीज सीधे तरीके से बोलेंगे तो वो उसमें पहला उल्टे तरीके से सोचती है, फिर उसे बोलना पता नहीं वैसा नहीं बोला मैंने ऐसा बोला, फिर उसको सीधा तरीका समझ आता है. तो कभी कभी वैसा हो रहा था हंसी मजाक वाले जोन में. या शी गेट्स जोक्स लिटिल लेट, शी इज अ ट्यूबलाइट. ओके so what I don't like about, we'll start from there only because it's in order.
with Abu, I think sometimes वो थोड़े से sensitive हैं, जो अच्छी चीज भी होती है कभी-कभी और कभी-कभी थोड़ी सी उनको छोटी-छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, but ये मैं भी वैसी हूँ, so I can understand, but कभी-कभी फिर समझाना पड़ जाता है कि ऐसे है वैसे, तो I think he's a bit sensitive. और यहाँ मुझे लगता है कि sensitivity कम है. है ही नहीं. ये consciously decision है मेरा कि मैं workplace में sensitive कभी होऊंगा ही नहीं. हाँ तो. One thing that you would change for your co-star. To change. So yeah, I guess I mean if. As a co-star or as a person? As a person. As a person, so yeah, like I said, like Kanwar, maybe he could be slightly more sensitive towards, and maybe there he could be slightly less sensitive and more practical. Abu. Me? Yeah, same thing. I think he should just get less affected with people around him. Kisne kya bola, kisne kya nahi bola, and what? And about Tina. क्या थोड़े क्या बोलूँ हाँ थोड़े मतलब हाँ थोड़े प्रैक्टिकल वे में सोचो इमोशनली मत मतलब कभी कभी बातें इमोशनली मत लिया करो थोड़ा हंसी मजाक में निपटा दिया करो लाइक दैट आई थिंक जो मैं Kanwar के लिए चाहूँगा कि वो चेंज करे है इसके खाने का डब्बा क्योंकि ये रोज इतनी ज्यादा टेस्टी टेस्टी चीजें लेके आता है और ये खुद तो डाइट कर नहीं रहा है और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मुश्किलों से डाइट कर रहा हूँ लेकिन क्योंकि इसका खाना इतना टेस्टी और इतना टेम्पटिंग होता है तो ये मेरी भी डाइट खराब कर देता है तो आई थिंक वो चीज़ इसको अपने बारे में चेंज करना है और टीना के लिए आई थिंक वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है और बहुत ज़्यादा टू द फेस है उसको थोड़ा सा डिप्लोमेसी जो होती है ना थोड़ी सी लाइक 1-2% लेकिन वो शायद सीखनी चाहिए Honest or kya? Diplomacy. Seekhni chahiye. Wo change karna hai. Who throws more tantrums on set? Abhinav. Oh, not me. Not at all. It's this boy. Ye. Bye, Asa. We'll continue. Sir. Main 2 minute le. Haan. So, yeah, we'll continue without Asa. Sabse zyada tantrum Asa throw karti hai. Haan. Bolna haan. Haan. Ab bolo. Haan. Ab bolo. I'm proud of having you as my co-star because you are proud of having me as a co-star. No, I'm proud of having him as a co-star because we are brothers first. We are co-stars after that. So I have a very brotherly bond with him. So us maamle mein, yeah, I'm proud of having him as a co-star. And he's a good actor. He's a good person. That reflects in our scenes. So yeah, that's one good thing. I think with me is I'm very proud to have him as a co-star because he's a very nice person. And a very honest and एक बहुत ही अच्छा performer है और बहुत अच्छे-अच्छे suggestions देता है तो हम लोग अपने scenes बहुत अच्छे से improvise करके उसको जो हमारा real off screen bond है जैसे हम भाई है तो वो on screen भी दिखता है क्योंकि उसमें इसका बहुत ज़्यादा input होता है तो I think ये बहुत talented है और बहुत ही अच्छा इंसान है so I'm proud of you know having him as my co-star. Hi, this is Kanwar Dhillon and you're watching India Films. We hope that you guys enjoyed this segment and if you did, do comment below and let us know. Kunal Kothari, Camera Person Babaji, India Forums, Mumbai.